कोलारस विधानसभा में शासकीय स्कूल के हालात बेहद लच्चर हो गए हैं। ये मामला है कोलारस विधानसभा के गांव चक का, जहां स्कूल तो है लेकिन स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण बच्चों की शिक्षा काफी ज्यादा प्रभावित भी हो रही है, साथ ही बच्चों का भविष्य अंधकार को बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिक्षा के लिए हमेशा कार्य करते हैं, वहीं उन्हीं के पार्टी के विधायक इस पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोलारस विधानसभा से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की, जिनका अपनी विधानसभा पर कोई भी ध्यान नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी उनकी विधानसभा में युवा और बच्चे किस कदर भटक रहे हैं, आप भी सुनिए उनकी जुबानी। हम नहीं चाहते, हाँ बिल्कुल नहीं चाहते, हमें कोई लाभ नहीं है। मतलब लाभ ले भी बारे लाभ ले रहे, गरीब मेन प्रॉब्लम है यहाँ की शिक्षा, मोड़ा मोड़ी है ना बच्चों, कोई इंटरेस्ट नहीं है, सभी अपने इंटरेस्ट है, वो काम में घर को खर्चा चलाने काम में इंटरेस्ट है, छोटे छोटे बच्चे तक मजदूरी करते जी यहाँ मास्टर ही नहीं आ रहे पढ़ाने को। अब इतने बच्चे इनको खुद को नाम लिखवा के बता दो, अभी मास्टर आ जाएंगे तुम्हें जिनके नाम लिखवा के पूछ लो, देखा बच्चे लिख देगा नाम, पढ़ाई के चक्कर पैसा भी चाहिए पर मजदूरी पेट भी तो पालना पड़े हो, पढ़ाई से अकेले से तो बच्चों घर चला तो नहीं है। शिक्षा घर से तुम लोग लोन देंगे